जिला परिषद सदस्य अरविंद करमाली ने कहा, समाज में सुधार के लिए घर से करनी होगी शुरुआत। गोमिया प्रखंड अंतर्गत कोडवाटाड़ करमाली टोला में करमाली उत्थान समिति की ओर से समाज को जागरूक करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता पूनम देवी और संचालन विनय करमाली ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य अरविंद करमाली व विशिष्ट अतिथि राजेश विश्वकर्मा और पूनम देवी मौजूद रहे। सबसे पहले सभा के मुख्य अतिथि को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद आसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य राजेश विश्वकर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समाज के लोगों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है। गोमिया में कल कारखाना ज्यादा होने के बाद भी बेरोजगारी का यह आलम है कि लोग अपना काम करने के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। समाज में काफी कुरीतियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। हम लोग को अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सभी को राजनीतिक रूप से आगे बढ़कर सहयोग करना होगा, जो आगे चलकर समाज के लोगों को बढ़ाने के लिए हरदम तत्पर रहे। हमें समाज, शिक्षा और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। सामाजिक जागरूकता अभियान को बढ़ाने के लिए कोष संग्रह करने की जरूरत है, ताकि अलग अलग पंचायतों में जाकर सभी को जागरूक किया जा सके। गोमिया प्रखंड में लगभग 40,000 से भी ज्यादा आबादी होते हुए भी हम लोगों को सही अधिकार अब तक नहीं मिला। साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी पूरी तरह जागरूक होने की जरूरत है। महिलाओं को महिला समूह बनाकर अपना रोजगार उपलब्ध करना होगा। जिसके घर में शिक्षित महिला होगी, उस घर का विकास कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारे समाज का उत्थान करना है तो जब आवाज मिले तो उठकर खड़ा होना पड़ेगा। सामाजिक उत्थान के लिए नशा पान बंद करना बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है और हमें इससे सीख लेने की जरूरत है। बैठक को जिला परिषद अरविंद करमाली और मुखिया पूनम देवी के अलावे कई लोगों ने संबोधित किया। इस मौके पर राजेश करमाली, रंजित करमाली, चंपा देवी, रविंद्र विश्वकर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गोमिया से बिमल ठाकुर की रिपोर्ट। सर, आज 21वीं सदी है, उसके बावजूद भी समाज, बहुत सारा समाज पिछड़ा है, क्या कारण आप समझते हैं? सभी समाज और अपने समाज की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से समाज का पिछड़ापन का बड़ा वजह है शिक्षा। और मैं यदि करमाली समाज की बात करूं तो इस कुरीतियों से अछूता नहीं है। समाज को शिक्षा, लोगों के बीच जा कर के अपनी बात रखने की क्षमता, ये सारा कुछ समाज को आगे ले जाने का काम करता है और इसका बड़ा वजह शिक्षा है। समाज में आज बैठक में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? देखिए, कोदवाटाड़ पंचायत का ये टोला निश्चित रूप से बड़ा ही ऐतिहासिक जगह है और यहाँ आए हैं तो अपने समाज के लोगों को बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारा इतिहास बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हम जन्मजात इंजीनियर कारीगर रहे हैं और हम में संभावनाएं काफ़ी है। हम अपने योग्यता को समझ के सही दिशा पर अपना काम करें, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।